नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में मैंने ये दिखाया है कि अगर आपके घर में जो बाथरूम बना होता है, जहाँ पे किचन बना होता है, उसकी टैंकी आपकी बार बार खाली हो जाती है, तो आप उसमें पानी बढ़ाने के लिए किस तरीके से सोल्यूशन निकाल सकते हो, मैंने इस वीडियो में यही दिखाया है। तो दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा, ऑल इन वन चैनल में आप सभी भाई का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके बाथरूम पर लगी वाटर टैंक आपको दूसरे या तीसरे दिन भरना पड़ता है और पानी की समस्या रहती है, पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है, आप उस समस्या का हल किस तरीके से निकाल सकते हो? तो दोस्तों, आपने क्या करना है कि अगर आपके बाथरूम पर 1000 लीटर की टैंक पहले से लगा हुआ है, आपने दूसरा वाला भी एक हज़ार लीटर का टैंक लेना है और उसके साथ आपने ज्वाइंट कर देना है। इसके साथ क्या होगा, एक तो ये दोनों कट्ठी भरेंगी और कट्ठी खाली होंगी, और दूसरी बात ये कि आपकी पानी की जो बार बार भरने की समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपने किस तरह से इसका ज्वाइंट देना है आप इस वीडियो में दे सकते हो। हमने ये एक सेंटर में ज्वाइंट दिया है, जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, इस जगह पर ज्वाइंट देना है। तो दोस्तों, आपने जो भी जॉइंट देना है उसका साइज़ 1.5 इंची या 1.5 इंची का साइज़ होना चाहिए, और दो टैंक निप्पल लगाने हैं और एक जूनियन साथ में लगा देना है, और आपस में दोनों टैंकियों को कनेक्ट कर देना है। इसके साथ जब आप एक वाटर टैंक, 1000 वाटर टैंक जो लगा है साथ में, इसको पानी से भरते हो, इसके साथ दूसरा भी साथ साथ में भरेगा और पानी की कैपेसिटी जो वो भी बढ़ जाएगी और आपकी बार बार पानी भरने वाली समस्या वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप ये समस्या का हल निकाल सकते हो। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो हमने किस तरीके से ये काम किया है, इसी तरह आप भी अपनी बार बार पानी की भरने की समस्या ख़त्म कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।